के नाम से जो नया एक कारोबार अल्लाह ने हमको शुरू करने का मौका दिया, हमारे गौरी साहब के हाथ से, अनिल पटेल साहब माजी आमदार साहब और गौरी साहब मेरे बड़े भाई, ये मौका मिला। ये इसलिए मिला कि अल्लाह की तरफ की बात है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, चलाएंगा अल्लाह ही इसको। लेकिन ये सब लोग आए, इसका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है दादा भाई के जो है उनके परिवार में, तो भाई सबको मैं अपने तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता से यही अपील है कि ये क्रांति चौक से जो पैठन गेट रोड पर वेज रेस्टोरेंट चालू हुआ, ये विदाउट फैमिली के साथ चालू हुआ है। जो रेस्टोरेंट है फैमिली की सुविधा एक सेपरेट है, नीचे का हॉल अलग है। और पैठन गेट से तो उस्मानपुरे तक वेज रेस्टोरेंट नहीं था, सिटिंग रेस्टोरेंट कहीं नहीं था। लोगों के लिए तकलीफ़ होती थी खड़े रह के लिए खाने की, हमने बैठ के लिए बैठ के टेबल पर 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट बनाए, फैमिली विदाउट फैमिली के साथ है। और सभी के लिए सभी को बोलते हैं इस रेस्टोरेंट का पालकी मिसल, जो हमने नया कॉन्सेप्ट लाई पालकी कोल्हापुरी मिसल, ये सिर्फ बाहर होता था, औरंगाबाद में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया पालकी कोल्हापुरी मिसल हाउस। इसके अलावा और क्या-क्या वैरायटी देंगे आप? टोटल साउथ इंडियन, इंडियन मतलब टोटल वेज के लिए सुबह नाश्ते से लेके और शाम में चाट का, जितना भी चाट का है ये सब चाट में भी रहेंगे। सर, आज 26 जनवरी के मौके पर जी आपका यहाँ पर इनॉग्रेशन के मौके पर आना हुआ, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस शहर में और विशेषतः इस विभाग में मरहूम दादा मियाँ जी का बहुत योगदान रहा है। और वो किसी एक कौम के लीडर थे नहीं, वो काफ़ी सभी लोगों से उनका संबंध हुआ करता था। उनके फैमिली के जो सारे लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, ये सारे लोग मिलके ये जो इकट्ठा है एक नया काम शुरू किए हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अपना काम, अपना बिजनेस और उनका नाम, ये सभी इकट्ठा ही आगे लेते जाएँ, यही मेरे उनसे शुभेच्छाएँ। मैं उल्लास गवली। दादा मियाँ जैसा अभी उल्लास गवली साहब ने बताया, एक ऐसी शक्ति एक्टी है औरंगाबाद में जो सबको लेके चलती थी,
और मुझे आमदार बनाने में दादा मियाँ का उस वक्त बहुत बड़ा योगदान था। उस वक्त वो कॉरपोरेटर थे और ऊटी क्या हैसियत से उनको चुनके बुलाया था। आज वैसे होटल का धंधा तो ये फैमिली के लिए पुराना है, सागज में भी होटल, यहाँ पे भी पहले से थी मूनलाइट, और ये एक नया कंसेप्ट इन्होंने लाए हुए हैं वेजिटेरियन स्नैक्स का और मिठाई का। मिठाई तो बहुत बढ़िया बनी है और मुझे उम्मीद है कि ये स्पॉट ऐसा है पैठन गेट के पास का कि बिजनेस के लिए नौजवान बच्चे जो नए नए बिजनेस में अपना पारंपरिक सब धंधा छोड़ के नए इसमें आ रहे हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं और आप सबको प्रजासत्ताक दिन की भी शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आज माननीय उल्लास गौड़ी साहब के हाथ से, अनिल पटेल साहब के हाथ से, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के हाथ से आज का ये कार्यक्रम ये हुआ है। और मेरे मित्र इस कार्यक्रम को खास तौर पे बारवाल जी वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और दादा भाई की याद आए बिना तो ये पूरा हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक अब पत्रकार के माध्यम से एक खुलासा कर दूं कि पालखी जो है, जो ये जो बुजुर्गाने दिन 1400वीं पालखी जो खुलकाबाद में जो अपने हाथ में आई थी, अपने शहर का एक ऐतिहासिक इतिहास है, उस नाम से है तो नासिर खान ने जो है तो ये नाम है तो अपने इसको देके और एकदम से अलग से ये परिसर के अंदर नॉनवेज के होटल्स बहुत थे, लेकिन उन्होंने सभी यहाँ पे इधर इतने हॉस्टल है, इतने ये सब बच्चे लोग रोज यहाँ पे नाश्ता रास्ते पे खड़े रह के करते थे, वो उन्होंने दिमाग में रख के, क्योंकि 6 टाइम से तो दादा भाई के घर के अंदर है तो नगर सेवक पद रहा है, उपमहापौर पद रहा है। आज मैं भी जो महापौर हूँ तो उनके आशीर्वाद से मैं भी महापौर बना था, जैसा पटेल साहब ने अभी बताया, तो वो पहले से ही है तो पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जुड़े वाले हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ में उनका योगदान है। और उन्होंने एक चेंज यहाँ पे कि भाई अपने तो ये बिजनेस तो है लेकिन ये सभी इधर के लोगों को सुविधा होना, इसलिए ये होटल का उन्होंने निर्माण किए। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको इस बिजनेस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आज सिद्धिखाना पैठन गेट इस परिसर में हमारे सारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के और महाविकास आघाड़ी के, जिसमें हमारे माजी मंत्री अनिल पटेल साहब, माजी महापौर अशोक सायन्ना जी, गौड़ी साहब, बारवाल जी, ये सब की उपस्थिति में इस पालखी रेस्टोरेंट का यहाँ पे आज इफ्तिता हुआ। मैं औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नासिर खान साहब, उनके सभी परिवार को इसकी बधाई देता हूँ। आज प्रजासत्ता दिन की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये जो नया वेंचर इन्होंने यहाँ औरंगाबाद में शुरू किया है ये इनके लिए फ़ायदेमंद हो और इस शहर के लिए भी ये एक अच्छी सेवा रहेगी, क्योंकि इस भाग में वेज रेस्टोरेंट्स की कमी थी और यहाँ स्टूडेंट्स और कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके परिवार वाले आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने एक सेवा यहाँ उपलब्ध करके दी है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इस कारोबार में, इस बिजनेस में वो तरक्की दे और इसमें जो है तो बरकत हो। धन्यवाद।